नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के बारे में। तो जैसा कि जानते हैं कि मैं मोस्टली वीडियोस पीजी पे बनाता हूं, लेकिन मैं आज एक नई और काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी लाया हूं जो कि बिलाइस में सिचुएटेड है, आपका सेंट्रल अमेरिका, जिसका नाम वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस है। यहाँ पर आप अगर MBBS प्रोग्राम अगर चूज़ करते हैं तो आप काफ़ी एक अच्छे यूनिवर्सिटी में आप अगर एंट्री कर रहे हैं। क्यों? अब उसके पीछे भी काफ़ी रीजंस हैं, क्योंकि यहाँ का जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो टोटली आपका अमेरिका बेस्ड सिस्टम है, क्योंकि जो ये इसका एजुकेशन पैटर्न है वो टोटल अमेरिका पे बेस्ड है और काफ़ी वैरायटी ऑफ कंट्रीज से स्टूडेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं MBBS प्रोग्राम के लिए, जिससे आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। और ये जो कॉलेज है आपका WUHS से अप्रूव्ड है बिलाइस में, और WHO से भी अप्रूव्ड है। और चीज़ें यहाँ पे ये हैं आपको कि यहाँ पे जो माहौल है आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा जो स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स मोस्टली अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक UK वगैरह में अगर कनाडा में सेटल होना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा और काफ़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है ये। और मैं आपको बताऊँ अगर क्यों और क्या रीज़न्स है अगर आपको वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस चूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्री क्लिनिकल जो प्रोग्राम ऑफ लाइसेंसिंग इन USA मिली वो आपका USA और कैनेडा के लिए, और ये काफ़ी अच्छा इनका परसेंटेज है, क्योंकि आपका अगर USA के लिए अगर बैठ रहे तो आप स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 आपको क्लियर करने पड़ते हैं, जिसमें आपका वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस का पासिंग रेशियो काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट स्टेप यानी कि अप्रॉक्स 81 तक उनका पासिंग रेशियो है 2019 से, और वहीं उनका अगर पासिंग रेशियो बात करें जो PR यानी कि आपको जब थर्ड स्टेप के बाद जब PR मिलता है, परमानेंट रेजिडेंसी आपको अगर अप्लाई होती है अमेरिका या कनाडा के लिए, तो उसका भी रेशियो काफ़ी अच्छा है, 82.2 का पासिंग रेशियो इनका PR दिलाने के लिए स्टूडेंट्स को। और जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो वैरायटी ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर देते हैं आपको, और जो इनके पास जो टाइअप है मोस्टली टाइअप इनके पास 6 अस्पतालों से टाइअप है, तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को कुछ नया पेशेंट्स कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि 6 अस्पताल का मतलब है हर अस्पताल में आपको वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ इस यूनिवर्सिटी में आपके जो काफ़ी वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स जो आते हैं बाहर से, जैसे कि कुछ कैनेडा से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ इंडिया से, काफ़ी वैरायटी ऑफ कंट्रीज से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो आपको साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें यानी कि वैरायटी ऑफ एक्सपोजर देते हैं। जैसे कि अगर हम अमेरिका की ही बात कर लें तो अमेरिका में आपका जो MBBS का प्रोग्राम है टोटल 4 ईयर्स का है, लेकिन जो हमारी NMC नेशनल मेडिकल कमीशन उसने एक स्ट्रिक्ट रूल बना दिया है कि अगर आप अब्रॉड से अपने MBBS करते हैं तो उसका आपका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन जो अप्रॉक्स आपका 54 मंथ्स का होना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं वहाँ के लिए, और साथ ही साथ 1 साल का आपका इंटर्नशिप होना चाहिए। तो जो आपको वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस बिलाइस जो है आपको वो 4.8 ईयर्स का प्रोग्राम अलॉन्ग विद क्लिनिकल रोटेशन आपको अगर चाहिए क्लिनिकल रोटेशन अमेरिका में, तो आप क्लिनिकल रोटेशन आप अमेरिका में भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप सेंट्रल अमेरिका यानी कि बिलाइस में भी 6 वैरायटी हॉस्पिटल्स में अपना क्लिनिकल कर सकते हैं रोटेशन। और आपको बता दूँ कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस है आपका वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस है वो एक काफ़ी अच्छा कॉलेज है। क्यों? उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मोस्टली अमेरिका की तरफ देखते हैं कि अमेरिका में जाना है हमें, तो अमेरिका में एक एंट्री करना बहुत ईजी प्रोसेस नहीं है, आपको USMLE वगैरह प्रोसेस क्लियर करने पड़ते हैं और आपको PR के लिए, तो ये वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस एक ईजी पाथ है अगर आप अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि ये गारंटीड आपको USMLE का फर्स्ट स्टेप क्लियर कराते हैं, और साथ ही साथ प्रॉमिस करते हैं आपको कि लैब वगैरह की जो चीज़ें हैं आपको अच्छे से मेंशन हो, क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और रीजंस आपको क्यों ये यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए वो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर उसे पढ़ें। अगर आप एडमिशन्स के लिए देख रहे हैं अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका में, या फिर चाहते हैं आप कि आप अमेरिका में सेटल हो बजट में, तो मैं आपको बता दूं फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वारीज़ हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली आप कॉल्स कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि क्या फ़ीस जा रही है और सिंपल स्टेप्स में अपना एडमिशन लेटर आप हमारे थ्रू निकलवा सकते हैं। हम एक रजिस्टर्ड पर्सन है यूनिवर्सिटी के साथ, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ से जाने और वहाँ तक पढ़ाई करने में। तो नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें एडमिशन रिलेटेड अगर क्वेरीज हैं या फिर इस कॉलेज के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी कुछ नए इन्फॉर्मेशन कुछ नए टॉपिक पर। तो ये मेरी पहली वीडियो है MBBS इन अब्रॉड पे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस। प्लीज़ गाइस आप मेरे अपने चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को हमारी लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी इन फ्यूचर मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा।